ये देखिए हमारे जो है फूलों से डेकोरेशन करें, और ये हम खुद बना रहे हैं, और ये इस चीज़ को साबित करते हैं कि हम हर चीज़ अपने हाथ से करना चाहते हैं, वरना बने हुए तो हर कोई मिल जाते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी का इजहार इसलिए करें कि हम अपने हाथों से बना छा फील भी बना दियो कुछ भी ना ठीक ही थी सके तो यार कुछ था मेहंदी देखा यार मेहंदी देखा ये देखिए ये दुल्हन की मेहंदी लग गई है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी लग रही है बस आप सब भी दुआ कीजिएगा कि जिस तरह मेहंदी का रंग गहरा है इसकी ज़िंदगी में खुशियों का रंग भी गहरा ही हो इंशाल्लाह साथ की खुशी की इंतहा साथ गाना भी हो जाए साथ थोड़ा सा रबिया सुन लगे तो मुझे यार बुला माशाल्लाह ये मेरी बच्चियाँ हो गई हैं तैयार और हम लोग मेहंदी के फंक्शन के लिए हम लोगों ने ग्रीन पहने हैं और मैंने और सना ने ऑरेंज पहने हैं अच्छे हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं और आई होप कि आपको पसंद आया नहीं है लेकिन हम बहुत अच्छे लग रहे हैं है ना देखिए सब हो गए हैं तैयार माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और देखिए रानी आनंद सब तैयार हैं बस कुछ देर में हम मेहंदी का फंक्शन शुरू करने वाले हैं फिर आप सबको भी दिखाते हैं मैंने आपको बताया था कि कुछ ही देर में मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है और जैसे जैसे आगे जो कुछ होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे अच्छा बताइए मेरी मेहंदी कैसी लगी है अच्छी लग रही है ना अच्छी लग रही है ना और ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है आपको अच्छा अब ये है हमारा बिल्कुल मशरकी डिनर टाइम हम लोग अभी भी घर की मेहंदियों में इस तरह से डिनर करते हैं और जैसे दस्तरखान वगैरह लगा के ये हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है और मेरा हर ब्लॉग बहुत अच्छे से 2-4 बार देखती है आपको कैसा लगता है मेरा चैनल बहुत अच्छा लगता है आप बोले ना सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू सलमा बा आप देखती हैं थैंक यू रायता बहुत अच्छा बनाया थैंक यू और ये हमारा मशरकी डिनर है जो हम मेहंदी में करें और आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे इवेंट हो रहे अब बस आफ्टर 30 मिनट्स हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला डिनर टाइम चल रहा है सना ने प्लेट में ये डाला हुआ है यहाँ की रेला कैसे बने राइस समीना ने माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं अल्लाह नजर बद से बचाए बहुत अच्छा कलर है और ये देखिए ये नीला अलीजा मैसम और रानिया डिनर पे टूट पड़े हैं और हाँ ये मेहंदी अटेंड करने के लिए पेशेंट डिस्चार्ज लेके घर पहुँचे हैं अब आपको खुशी हो रही है हाँ तो इंशाल्लाह उदास नहीं होना ये हमारी दुल्हन खाना खा रही है
और ये अंता है। अंता आपको कैसा लग रहा है? चुप कर वे। यासर, बाबा, असद और फैसल, बचपन की यादें ताज़ा करते हुए अल्लाह मुझे भी पेप्सी दो ना यार। नानी की जब मैं इतने टाइम के बाद शादी हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुमने काले कपड़े क्यों पहने हैं मेहंदी में? कलरफुल क्यों नहीं पहने? अच्छा, तो मतलब हर चीज़ ब्लैक अच्छी लगती है। मरियम और ये मेहंदी के लिए जो रस्म होगी उसके लिए गुलाब जामुन रखे जा रहे हैं, सेटिंग की जा रही है। मरियम इसको सेट कर रही है तो और ये हमारे जो है गजरे हो गए तैयार इनके, तो अब हम रस्म थोड़ी देर में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं सहन। ना ना पहले इट्स द लाइव स्ट्रीमिंग पे ना।